हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग डिकोडिंग। आज हम लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे फॉल होगा, क्योंकि अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना होता ना तो ये एक बारी में विद वॉल्यूम ऊपर की तरफ चला जाता। एक दो तीन बार ट्राई कर दिया है इसने। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ स्लिप करेगा तो इसको लो को ब्रेक डाउन करेगा। ये देखिए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है पर जा नहीं पा रहा। तो मैंने इस कैंडल की लो दैट इज 50,000 की कॉल के लो पे अपना एक सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर दिया और बाइंग ऑर्डर दैट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर साथ के साथ ही लगा दूंगा जैसे ही हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं इसको सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी इस जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अभी फाइट होगी। अगर ये इसके नीचे जाएगा तो सेलर्स अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको शो करेंगे इसको लो को ब्रेक कर और यहाँ से एक फॉलो थ्रू आ सकता है एटलीस्ट यहाँ। तो 150 क्वांटिटी का हमारा प्लान है। लेट्स सी क्या होता है। और 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा हमारा। सो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इंटू 150, 150 इंटू 30 दैट इज अराउंड 4,500 रुपीज़ का हमारा SL होगा। एटलीस्ट 1:2 का हम टारगेट रखेंगे। सेंसेक्स भी यहाँ पर देखिए होल्ड कर गया है। हो सकता है सेंसेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। और ये हमने एक हेजिंग के लिए पोजीशन बनाई थी, इसको रहने देते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 लगा लेते हैं हम। जो निफ्टी 50 है वो भी ऊपर की तरफ होल्ड किया है। कायदे से अपने को ये पोजीशन नहीं बनानी चाहिए बट दिस इज अवर लास्ट चांस एज ए सेलर। अगर सेलर को आना है तो यहीं पर आएंगे। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो दैट इज अवर डे एंड, दैट इज 4,500 लॉस। और लेट्स सी, अभी 3 मिनट है इस कैंडल क्लोज होने में। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है फिर हम अपने इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि तो फिर सेलर्स को थोड़ा सा दूर से ट्रैवल करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। अभी यहाँ पर एक चैनल बन रहा है, वेट करेंगे इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। सेंसेक्स भी थोड़ा सा नीचे आने को शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए सेंसेक्स अगर ये ब्रेक किया नीचे की तरफ तो सेंसेक्स भी फॉलो थ्रू तो लेगा। अगर इसके 50% के नीचे ट्रेड करना शुरू किया दैट विल बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सेंसेक्स एज वेल। एंड देयर इज अ बैंक, सॉरी फिर से चार्ट फॉर बैंक निफ्टी 1-2 नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है अपने को एंट्री मिल जाए। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था हमने एंट्री नहीं ली थी, सेकेंड टाइम में हम एंट्री लेंगे। ये लो अगर ब्रेक कर जाए यहाँ से और ये यहाँ से और ये यहाँ से, तीनों इंडेक्स का साथ में लो ब्रेक हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये अपने को एंट्री मिल गई है गाइस। अब हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। दैट इज 4,500 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा हमारा इसके हाई पे। अभी 2.5 मिनट पड़े हैं कैंडल क्लोज होने में। अगर इसको नीचे, अच्छा एक चीज और है देखिए, अगर इसको नीचे आना होता ये ऐसे वॉल्यूम में आ जाता, दैट इज वेरी हाई चांस, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट अवर SL विल हिट। सो लेट्स सी, यहाँ पर भी होल्ड कर गया है, यहाँ पर भी होल्ड कर गया है और यहाँ पर भी होल्ड कर गया ऊपर की तरफ। लेट्स वेट, यस दैट इज अवर SL डे। आज का दिन हमारा इतना ही है। अभी 1,500, 1,800, 2,000 के आसपास लोग चल रहा है हमारा। 50,000 की कॉल शॉर्ट की है, थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी ये वाली कॉल शॉर्ट की है हमने। यहाँ से ऊपर निकल गया फिर तो फिर एक मतलब मोमेंटम आ जाएगा ऊपर की तरफ ना। लेट्स वेट, 2,000 लॉस राइट नाउ। इसको एक्चुअली यहां से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था, ये सपोर्ट लेके एकदम से ऊपर गया ना, इसकी वजह से थोड़ी सी अपने को दिक्कत रहेगी। डेफिनेटली 1.5 मिनट इज देयर। 359, 360 यहाँ पर रखेंगे, 360, 70, 80, 20 रुपीज़ और 3,000 और 4, 5, 6, 7 नहीं, फिर ऐसा ज्यादा जाएगा। यहीं पर ही ठीक है ऐसा हमारा, जाने दीजिए कोई बात नहीं। आज अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा ही सही है। देखिए क्या ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, अब इसको हम एग्जिट कर देते हैं इससे पहले ये ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जा चुके हैं, बैंक निफ्टी चला जाएगा। ये हो गया हमारा SL और आज का हमारा डे खत्म। दैट इज 4,500-6,000 के आसपास का लॉस। एक पोजीशन सुबह में थी हमने, ये 6,000 का लॉस एक दिन में हो चुका है हमें मिला के। तो आज का हमारा दिन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।
तो गाइस ये हमने यहाँ पर एक री एंट्री ली थी, वही सुबह जो हमने आपके साथ लाइव किया था, 3:30 की एंट्री और 3:60 का स्टॉप लॉस किया था हमने। तो जब ये की बड़ी कैंडल बन गई है तो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 343 पे कर लिया। अब हम इस पोजीशन को रन करने देंगे और दिस विल डेफिनेटली बी अवर लास्ट ट्रेड ऑफ द डे। इधर इट विल बी बिगर प्रॉफिट ट्रेड और एसएल ट्रेड। अभी जो है इसमें आराम आ रहा, अराउंड 3000 रुपीज का जो है प्रॉफिट चल रहा है, 3000 रुपीज का। और अनरियलाइज्ड है ऑब्वियसली, ये हमने 4300 का जो सुबह लॉस बुक किया था ये वो है। वो मार्केट इसका 50% पे आके सपोर्ट ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी एसएल ही जाएगा हमारा, बट लेट इट बी, एसएल जाता है तो एसएल जाए। यहाँ पर भी ये पैटर्न देखिए, यहाँ दो ऑप्शन है ना, यहाँ से इधर इट विल कम लाइक दिस और इट विल गो लाइक दिस, सेम फॉर दिस। अगर ये इसके लो से रिटर्न आ जाता है तो डबल टॉप की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में तो बनना शुरू हो गया है अभी। एक्चुअली एक रेड कैंडल मुझे शो हो रही थी, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो ये इसका लो ब्रेक कर जाएगा तो एक लेट्स सी क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली है तो ये ऐसे ही है हमारा, क्योंकि ये इसके 50% पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर ये अराउंड इस यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ही लेते हैं हम, वेट करिए। आई थिंक दिस इज फिबोनाची, आई एम नॉट रॉन्ग, नो दिस इज नॉट, मुझे लगाना नहीं आता है वो। यस दिस इज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, इसका 50% आई थिंक ये है, यहीं पर इसने ये है 50%, इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर गया, देन वी विल सिट एंड रिलैक्स। सो इसकी जो अपडेशन है, अब देखिए 13 रुपीज का एसएल है, 13 × 150, अब इतने छोटे स्टॉक लॉस में दैट इज 2000 रुपीज मोर एसएल फॉर डे। जो पहले जो लॉस था 3000 था, 7-8000 विल बी अवर मैक्सिमम लॉस फॉर टुडे। सो इसकी जो वीडियो है मैं शाम को बना दूंगा, इधर दिस विल बी अवर, अगर यहाँ तक भी आ जाए सो इसके लोगों तो क्रॉस करेगा ही, तब हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पर ऊपर जा रहा है, लेट्स सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू। सो देखिए अभी ये फिर से सुबह वाली सिचुएशन, ये हाई क्रॉस करने की तैयारी में है, ये भी हाई क्रॉस करने की तैयारी में है, बट बैंक निफ्टी हाई के आसपास नहीं पहुंचा है, दैट्स व्हाई अभी तक हमारा एसएल नहीं गया है। सो मे बी इट विल टेक एसएल्स फॉर द डे, दैट इज जिन्होंने डे हाई के ऊपर एसएल रखे है तो एक क्लिक बनाकर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है ये, अदरवाइज इट विल बी अ बुलिश डे। ये गया अपना एसएल, सो टुडेज लॉस इज अराउंड 8000 रुपीज from 6, that is 2000 rupees more, 8500, अच्छा वो hedging position के वाला, 350, 360, ये देखिए ऊपर cross कर गया, so let's exit our all position for the day, close our day. So 8500 is today's loss.